यदि आपकी दुकान भी नहीं चलती, आपका व्यापार भी नहीं चलता, ठप पड़ गया है बिजनेस और हाथों में हो गई है पैसे की कमी। धन की कमी एक ऐसी समस्या है जो आपके चेहरे के सारे रंगत को खत्म कर देता है। आप रूखे फीके से बेजान नजर आते हैं यदि आपकी जेब में धन नहीं है, यदि आपके पास पैसे नहीं है। वही दूसरी अवस्था वह है कि आप चमक पड़ते हैं जब आपके पास पैसे होते हैं। चाहे आपने पुराना वस्त्र धारण किया हुआ हो, फटे हुए जूते हो आपके, कोई घड़ी नहीं है आपकी कलाई में, ना ही पॉकेट में एक रुपया है, परंतु यदि बैंक बैलेंस मजबूत है आपका, तो वह मनोबल, वह कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखता है, वह खुशी दिखती है, आपको ताकत का अनुभव होता है। कोई बात नहीं, परिस्थितियां बिगड़ेगी, मैं संभाल लूंगा क्योंकि मेरे पास धन है। बात में सच्चाई है ना? सौ बात की एक खरी बात, धन से ही सम्मान है, धन से ही सुंदरता है, धन से ही इज्जत है, समाज में धन से ही हमारी प्रतिष्ठा है। हमें कोई बैठने नहीं देगा यदि आपके पास धन ना हो तो। कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई मान सम्मान नहीं करेगा आपका यदि आपके पास पैसे नहीं है तो। एक से दो बार मिलेगा और उसके बाद आपसे कन्नी कटाने लगेगा। ये तो जब आता है तो कुछ मांगता है, और नहीं भी मांग रहे हो तो उसे डर लगेगा सामने से कि इतनी देर बैठा है तो कुछ ना कुछ मांगेगा, क्योंकि उसे मालूम है तुम्हारे पास कुछ है नहीं। इसलिए अपना मान सम्मान समाज में बढ़ाना है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है और इज्जत के साथ जीवन जीना है, तो सर्वप्रथम प्रातः काल सोकर उठो और सोचो कि धन कैसे कमाए। परंतु इज्जत से, ईमानदारी से एक नंबर कमाई। तुम्हारे हाथों में शक्ति है, मस्तिष्क में ताकत है, तुम अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी बुद्धि से प्रथम धन कमाने का इंतजाम करो। फिर कोई योजनाएं बनाना, घूमने फिरने की, ये खाना है मुझे, वो घूमना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं। प्रथम धन कमाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए, माता पिता के लिए। घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, एक अच्छी सी बड़ी दुकान बनानी है, दुकान में बहुत सारी पूंजी लगानी है, सबके लिए धन चाहिए, तो प्रथम धन कमाने की व्यवस्था करो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कुछ ध्यान मत दो किसी की शादी में तुम जा सके या नहीं जा सके, कोई फेस्टिवल तुम बढ़िया से एंजॉय किए कि नहीं किए मत करो। कुछ साल खुद को बंद कर लो, जकड़ लो कि मुझे हर हाल में धन कमाना है, खूब रगड़ कर मेहनत करो, जिंदगी चमक जाएगी। और चलो एक ज्योतिषीय उपाय बताती हूँ, भाग्य साथ देने लगेगा। जब तुम्हारे परिश्रम पे तुम्हारा भाग्य भी साथ देने लगे तो चार चांद लग जाएगा जीवन में। वही तुम आलस से भरे हो, प्रातः काल सोकर उठते हो, चाय पीने की आदत डाल लिए हो, प्रथम न स्नान करते हो, न पूजा पाठ, न किसी मंत्र का जप करते हो, न हनुमान जी को जपते हो, न शिव को, प्रथम तुम चाय पीते हो, पहले ही अपने मुंह को जूठा कर लेते हो। फिर तुम्हें देर तक सोने की आदत है, तुम 8 बजे 10 बजे उठते हो, चाय पीते हो और फिर सो जाते हो, फिर 12 बजे जागते हो। जहाँ आधी दुनिया, आधा समय निकल गया, लंच का टाइम हुआ, तब तुम किसी तरह उठते हो, नाश्ता करते हो, अपने पेट को भर लेते हो, स्नान करना जरूरी नहीं समझते, कभी स्नान किया कभी नहीं किया, खोले हुए वस्त्र टांग देते हो, फिर निकाल कर उसे पहन लेते हो, चले जाते हो बाजार बालों में कंघी करके। तुम एक कुव्यवस्था का शिकार हो गए हो, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए भी है ना, मैं लिख कर देती हूँ, वह सब एक दिन तुम खा जाओगे, सब खत्म हो जाएगा और तुम कंगाल हो जाओगे। तो प्रथम यदि धन कमाना है, धनवान बनना है, अमीर बनना है, तो अमीर बनने के लिए कुछ आदतें डालो। प्रथम सुबह जरा जल्दी सोकर उठो, प्रतिदिन स्नान करो, किसी भी देवी देवता को तुम मानते हो, किसी भी मंत्र की चैंटिंग करो, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय जपो रोज, परंतु जपो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हें परमात्मा ने बनाया है और मंत्रों से ही तुम उजागर होते हो। ये प्रथम उठकर पहले कुछ खाने पीने की आदत हटाओ, प्रथम उठकर स्नान आदि करो, परमात्मा को 2 मिनट जप लो, फिर खाते पीते रहो। कपड़े हमेशा स्वच्छ और धोया हुआ पहनो, हर दिन धोकर कपड़े पहनो, केवल ये सारी आदतें तो सुधारो, वैसे भी अमीर बन जाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यह एक मंत्र है जो हर दुविधा को सुविधा में बदल देता है। जुड़िए मेरे परिवार से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक, वह पहुंचे सीधे आप तक। अमीर बनना बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है।
बस थोड़ी सी जानकारी के अभाव में कोई मनुष्य गरीब है और लंबे समय तक गरीब बना रहता है, और एक छोटी सी ज्योतिषीय उपाय सही तरीके से कर लेने मात्र से कईयों की किस्मत बदल गई है, और बहुत कम समय में बदल गई है। यदि तुम कुव्यवस्था से घिरे हुए हो, तुम नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हो, तुम इन सब से निकल ही नहीं पाते, तुम और इसके साथ साथ कुछ बुरी आदतों का शिकार भी हो गए हो, तुम नशा करते हो, तुम जुआ खेलते हो, तुम कोई चीज चोरी करते हो, किसी की चीजें बेच देते हो, यदि ये सारी चीजें भी तुम्हारे जीवन से जुड़ गई है, अर्थात शनि संचालित कर रहा है तुम्हें, पूर्ण रूप से राहु संचालित कर रहा है। देखो, राहु केतु और शनि ये तीन पाप ग्रह होते हैं, और पश्चिम दिशा से इनका उदय होता है, वह भी संध्या के बाद। इसीलिए रात्रि में जितनी भी कुरीतियां होती है वो बहुत बलवान हो जाती है। रात्रि में तुम्हारे मस्तिष्क में गलत विचार आएंगे, तुम जुआ आएगा, नशा आएगा, ये सारी चीजें रात्रि के समय और अधिक बलवान हो जाती है, और समाज में अपहरण है या किसी का भी नुकसान करने की जो चीजें हैं वो रात्रि में प्रबल हो जाती है, क्योंकि इन सब का स्वामी शनि, राहु और केतु होता है। तो हमें इसके अधीनस्थ नहीं होना है, हमें अपना मंगल सुधारना है, बुध सुधारना है, गुरु सुधारना है, शुक्र सुधारना है, चमकेगी हमारी किस्मत और हम हो जाएंगे मालामाल। यदि तुम्हें भी कुरीतियों ने घेर लिया और तुम्हें लग रहा है कि इस कुरीतियों ने से मैं पीछा नहीं छुटा सकता हूँ, मैं तो मेरा जीवन गया लगभग, कभी कभी तुम्हें बातें समझ में भी आती है परंतु क्या करें कि ऐसी ऐसी आदतें हैं कि नहीं छूट रही है पीछा। चलो टोटका बताती हूँ। तीन दाने काली मिर्च के ले लेना और तीन चुटकी काली राई ले लेना। काली राई जो किचन में हम खाते हैं, सरसों से छोटी वाली दाने होते हैं, और तीन ही दाने काली मिर्च के लेना, बस यही दो चीजें लेना। बाएं हाथ की हथेली पर रख लेना, दाहिने हाथ का अंगूठा इसके ऊपर ऐसे रख लेना, घर से बाहर चले जाना, और जितनी भी कुरीतियां हैं तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा, गरीबी का भी नाम लेना, मतलब अपनी सभी समस्याओं को याद करना और इसे गोल गोल मसलना, गर्म करना, इसे करते वक्त कोई देखे टोके नहीं तुम्हें, चुपचाप से किसी साइड जगह में करना, और संध्या के बाद करना, अर्थात रात्रि में करना है, 7 बजे शाम के बाद किसी भी समय करना, 3 दिन करना है, तीनों दिन समय का ध्यान रखना। आज तुमने 7 बजे या 8 बजे किया तो कल भी तुम 8 बजे करोगे, परसों भी तुम 8 बजे करोगे, समय बहुत ध्यान रखना। शनि जो होते हैं ना वो सुधरते हैं समय की पाबंदी से, समय का बहुत ध्यान रखना, तीनों दिन एक ही समय करना, 3 दाने काली मिर्च के, 3 चुटकी राई डालना, अंगूठा लगाना और जोर जोर से इसे घसना, और अपनी सारी समस्याओं को बोलना, मैं नशे में रहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, मैं गरीबी से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं इस मलेच्छपन से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे अमीर बनना है, ये सारी समस्याएं बोलकर अपने सर के पीछे से इसे पीछे फेंक देना, चुपचाप घर चले आना, पैर हाथ धो लेना, ये जो कपड़े तुमने शरीर पर पहने ऐसे उतार देना, दूसरे कपड़े पहन देना, फिर जल पीना, तभी कुछ मुंह से कहना, फिर अगले दिन तुम सेम समय पर यह टोटका करना, और तीसरे दिन फिर सेम समय पर यह टोटका करना। केवल 3 दिन तुम यह उपाय करो, जितने भी पाप ग्रह जो तुम्हारे स्वामी बन रखे हैं ना, तुम्हें संचालित कर रहे हैं, तुम्हें गरीबी की ओर, भुखमरी की ओर लेकर जा रहे हैं, ये सारे तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, और फिर क्या है, तुम्हारे शुद्ध ग्रह, अच्छे ग्रह तुम्हारा साथ देंगे, बैठे बिठाए बन जाओगे तुम करोड़पति। अपना ध्यान रखना और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करना। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, समृद्धि के द्वार खुले आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।